नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड्स। 0 एंड दिस इज 20, 40। 5 मीटर पर सेकेंड, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। सपोज दिस इज A1 एंड दिस इज A2, सो डिस्टेंस इज मॉड A1 प्लस मॉड A2। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ होता है एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस 5। दिस विल बी दोनों का मॉड, ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस माइनस 50 मॉड, दिस विल बी 100 मीटर। सो डिस्टेंस विल बी 100 मीटर। सेकेंड इज ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से देख के आप बता सकते हैं कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? इट विल बी A1 प्लस A2। A1 कितना हो जाएगा? 50 प्लस माइनस 50 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15। A train starts from rest and moves with constant acceleration of 2 meter per second square for half minute. Initial velocity 0, acceleration 2 meter per second square and time is half minute, means 30 seconds. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. T इक्वल टू 30 सेकेंड तक मूव करती है। T इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद ब्रेक लग जाता है, तो T इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद ब्रेक लग जाता है, जिसके बाद वो 1 मिनट के बाद रेस्ट पे आती है, मतलब कि डेल्टा T इज 1 मिनट 60 सेकेंड। एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन करने के बाद ब्रेक लगता है और 60 सेकेंड में वो रेस्ट पे आती है, डेल्टा टी इज 60 सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेंड एंड द पोजिशन वर्सेस द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस शुरू में जब वो एक्सेलरेट करेगी तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज यू इज 0, दिस विल बी 0, हाफ इंटू ए इज 2 इंटू टी स्क्वायर 30 इंटू 30 900 मीटर। S1 900 मीटर, फिर उसके बाद डी एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देगी। 900 मीटर कवर करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो, यू इज 0, 80, ए इज 2 एंड टी इज 30, तो 60 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी। 60 मीटर पर सेकेंड पे जब वो होगी तब ब्रेक्स लगेंगे, तो
उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी? दिस इज बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड, बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड दिस इज आफ्टर ब्रेक्स, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज हाउ मच 60 इंटू टी, कितने सेकेंड के लिए ब्रेक लग रहा है? 60 सेकेंड, 60 माइनस हाफ इंटू एज एक्सेलरेशन, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट फॉर हाफ मिनट. फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन. एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है. ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कॉस, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है और टाइम कितना लग रहा है? 60. अगेन एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ से. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए इज v माइनस यू बाई टी. वी इज हाउ मच? जीरो माइनस 60 बाय 60. एक्सेलरेशन इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 3600 माइनस 1800, दैट इज इक्वल टू 1800 मीटर. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस वन प्लस एस टू, दैट इज 1800 प्लस 900, है ना? हाँ, प्लस 900, 2700, 2700 मीटर, 2.7 किलोमीटर. ओके, देन मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन. मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन विल बी वेलोसिटी. हम इसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे. तो वेलोसिटी इनिशियली जीरो से स्टार्ट हुई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. देन उसके बाद वेलोसिटी घट रही है, कोई और एक्सेलरेशन है. इसका स्लोप है ये 30 और ये 60. तो मैक्सिमम स्पीड इज अटेंड एट टी इक्वल टू 30 सेकेंड एंड दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, सी द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. हाफ द मैक्सिमम स्पीड मीन्स व्हेन स्पीड इज 30 मीटर, व्हेन स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, सी पार्ट, सी पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इज गिवन टू बी 60 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड. टिल देन उसकी पोजिशन क्या होगी? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टाइम निकाल लो पहले. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू इज जीरो, v इज 30 डिवाइडेड बाय a, दैट इज 2, 15. सो t इज इक्वल टू 15 सेकेंड. एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड ट्रेन विल रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कवर्ड टिल देन विल बी इक्वल टू हाउ मच? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, दैट विल बी u इज जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू टू इंटू टी स्क्वायर, 15 स्क्वायर, दैट इज 225 मीटर, 225 मीटर. ठीक है, और फर्स्ट वाले में ये 2.7 किलोमीटर है, आंसर में 2.7 मीटर दे रखा है, उसको 2.7 किलोमीटर कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. फिगर शोज पोजिशन वर्सेज टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल. फाइंड द टाइम टी
such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. Average velocity क्या होती है? Average velocity होती है displacement, total displacement divided by total time. Average velocity मतलब होता है, average velocity is total displacement divided by total time. तो इसको zero होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? Initial position में उसको वापस आना पड़ेगा. ये उसका position versus time graph है. मतलब कि उसको x equal to 20 पे, मतलब कि उसको x equal to 20 में वापस आना पड़ेगा. Displacement को zero करने के लिए ये value हमें zero करना है. It means final displacement minus initial displacement should be zero. That means x final should be equal to x initial. Final position equal to initial position. तो यहाँ जब वो आएगा, तब उसकी उस time पे उसकी average velocity zero होगी. तो ये time approximately कितना होगा? ग्राफ में अप्रॉक्सीमेटली 12 आएगा. ये आंसर में भी 12 दे रखा है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली आंसर बता सकते हैं इसका. ऐसे क्लियर आंसर नहीं बता सकते क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं डिराइव कर सकते हम इस केस में. सो द अप्रॉक्सीमेट आंसर विल बी 12 सेकेंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. A particle starts from point A and travels along the solid curve shown in the figure. ये जो solid curve दे रखा है figure में, ये उस particle की trajectory है, ठीक है? ये उस particle की क्या है? Trajectory. वो A से लेके start करता है, वो इस तरीके से move करता है, two dimensions में. Y और x axis में दे रखा है, ये उस particle की trajectory है, ठीक है? Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. पहले तो इस बात को समझो कि अगर एक particle suppose यहाँ से start करता है, ठीक है? A से लेके वो B point तक जाता है, ठीक है? Suppose किसी particle की trajectory ये है, ठीक है? तो A से लेके B में जाने तक उसकी डायरेक्शन, उसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? ये वाली डायरेक्शन, यही इसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. सपोज A से लेके B में बीच में एक पॉइंट आता है C, और हमसे पूछा गया कि जो C पॉइंट है उसकी इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है? ए से लेके बी तक की जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट डी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ई. सारे पॉइंट में ये सब डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सेम है. अगर इस ट्रेजेक्ट्री में कहीं हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर है, तो वो किस पॉइंट पे हो जाएगा? सपोज ये कर्व है, ये एक कर्व है एंड दिस इज टेंजेंट टू इट. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? दिस इज टेंजेंट टू द कर्व. किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये है, तो हमें एट पॉइंट ए में सपोज उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम उस पॉइंट में टेंजेंट बनाते हैं,
उस कर्व में ए पॉइंट में टेंजेंट बनाते हैं, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर हमें कोई दो पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मीट कर देते हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये उसकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब इस कर्व में हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट में ए से लेकर उस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हो वही उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हो। तो ये किस पे, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है, एक लाइन जो बी पॉइंट इसका टेंजेंट है तो बी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, अप्रॉक्सीमेटली इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ 5 के आसपास आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट 3 के आसपास आ रहा है, तो दिस इज एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3। आपको बस बी का कोऑर्डिनेट निकालना था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।